तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों हाल फिलहाल में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे और आप बहुत बखूबी से जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से वो वापस आ गए हैं। और वापस आने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। जब मोदी जी वापस आए घर अपने मुल्क में तो ऑस्ट्रेलिया ने इनको गिफ्ट दिया। मैं आपको आगे बताऊंगा कि भारतवासियों को ऑस्ट्रेलिया ने क्या गिफ्ट दिया है। दोस्तों मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए और बहुत गर्म जोशी के साथ इनका इस्तकबाल किया। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है एंथनी एलिविज ने इनकी बहुत ही सिडनी में बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। और मोदी जी ने इस मुलाकात को इन दोनों देशों के संबंध को T20 की संज्ञा दी। बहुत ही अच्छा संबंध बताया भाई कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत ही जबरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बिनीज ने उन्होंने कहा इस मुलाकात से कि वो जब से प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के बने हैं तब से मोदी से ये छठा मुलाकात है। ऑलरेडी पहले 5 मुलाकात कर चुके हैं। वही वही 5 मुलाकात के उपलक्ष के रूप में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारतवासियों को 5 उपहार दिए हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। और जैसे ही प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया से जैसे ही इंडिया की सरजमी पे अपना कदम रखते हैं वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के तरफ से खबर आती है कि भारत के 5 राज्य के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में आने से प्रतिबंध कर दिया गया है। यानी भारत के 5 राज्य के छात्र अब ऑस्ट्रेलिया में जाकर नहीं पढ़ सकेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। वहां पे शिक्षा ग्रहण इन 5 राज्यों के छात्र नहीं कर पाएंगे। आप जानना चाहेंगे वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बुलडोजर बाबा की राज्य भी उसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश भाई, उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है। पश्चिम बंगाल भी है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर है। और ये 5 राज्य है दोस्तों जिस राज्य के छात्र जो है अब ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय में जाकर एडमिशन नहीं लेंगे। ऑस्ट्रेलिया प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को 5 बार जो पहले मुलाकात किए हैं उसी का ये 5 राज्यों का ये गिफ्ट मिला है। और ये छठी मुलाकात थी अब की बार। तो हो सकता है कि एक और गिफ्ट बाकी हो, कहीं अगली बार वो भी डाक द्वारा भेज न दिया जाए। तो इस तरह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इसके पीछे का तर्क दिया है कि इन राज्यों की जो इंडिया की ये 5 राज्यों पर प्रतिबंध लगाया है इन राज्यों के जो छात्र हैं वो स्टूडेंट वीजा लेकर ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहे हैं। अब भाई इसके पीछे इसने तर्क दिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो भाई हो सकता है कि कुछ लोग कुछ छात्र कुछ स्टूडेंट जाकर वहां वीजा स्टूडेंट वीजा पर जाके वो काम कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई सारे स्टूडेंट जो हरियाणा से जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड से और पश्चिम बंगाल से जो छात्र जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो सारे के सारे काम ही कर रहे हैं वहां जाकर, सारे के सारे वहां जॉब ही कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ते होंगे। लेकिन जो बच्चा जो स्टूडेंट पढ़ने के नियत से जा रहा है उसकी भविष्य का क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया ने ये तर्क दिया और भारत क्या इसको मान लेगा? जांच करवा भाई कि हाँ तू ये व्यक्ति जा रहा है, ये छात्र वहां पढ़ने जा रहा है छात्र वीजा लेकर स्टूडेंट वीजा लेकर, तो आप उसे जांच करवाइए कि भाई तू पढ़ने आया है तो पढ़, वीजा काम क्यों कर रहा है। वह ये जिम्मेवारी वहां के सरकारों की बनती है, ना कि उसे एकदम प्रतिबंध कर देना। तो इस तरह दोस्तों ये जो 5 उपहार 5 बार के मिलन का जो उपहार एंथनी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने जो दिया है वो भारत के लिए सही नहीं है। इस पे कुछ ना कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं आया भाई कैमरे खोला मुंह उठा के और बोल दिया भाई। ये दैनिक भास्कर के आज के पेपर में दिया हुआ है, एकदम फ्रंट पेज पे दिया हुआ है और आज 26/5 को ये पेपर है और उसमें ये दिया हुआ है। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही है, इस पे सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए, संबंध ठीक है क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।